तो नमस्कार सभी को ये आपकी प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज से वैदिक सभ्यता की सेकंड क्यूज है इससे पहले हम एक क्यूज देख चुके हैं और हड़प्पा सभ्यता और प्रागैतिक इतिहास को हम खत्म कर चुके हैं तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से ऑप्शन बी कानून व्यवस्था से ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था से या ऑप्शन डी राज्य कार्य पद्धति से तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है जो कि समाज वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था जिनमें पहला ब्राह्मण दूसरा क्षत्रिय तीसरा वैश्य चौथा शूद्र तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ वेदांग ज्योतिष के लेखक कौन हैं आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आर्यभट्ट ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त ऑप्शन सी आचार्य लगध मुनि या ऑप्शन डी लाठदेव तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वेदांग ज्योतिष के लेखक आचार्य लगद मुनि थे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देवी अथवा देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इंद्र को ऑप्शन बी मारुति को ऑप्शन सी वरुण को या ऑप्शन डी सावित्री को तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है तो अगला क्वेश्चन है उपनिषदों को और किस नाम से भी जाना जाता है आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वेदांत ऑप्शन बी धर्मशास्त्र ऑप्शन सी पुराण अथवा ऑप्शन डी ब्राह्मण ग्रंथ तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जैते शब्द निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है या किस उपनिषद से लिया गया है तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वेदांतों से ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से ऑप्शन सी ऋग्वेद से या ऑप्शन डी सामवेद से तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सत्यमेव जैते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है इम्पोर्टेंट है याद रखना तो नेक्स्ट है ऋग्वेद के अनुसार निम्नलिखित में से किसी युद्ध का देवता माना जाता है आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अग्नि को ऑप्शन बी सूर्य को ऑप्शन सी इंद्र को या ऑप्शन डी वरुण को तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद के अनुसार युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदिक काल में किस देवता को अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अग्नि को ऑप्शन बी इंद्र को ऑप्शन सी वरुण को या ऑप्शन डी सूर्य को आपको जितने प्रश्नों का उत्तर पता है कृपया उनके आंसर दीजिए और आगे चेक करते हुए जाइए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में अतिथि की उपाधि देकर अग्निदेवता को संबोधित किया जाता था तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में बलि का क्या अर्थ होता था आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बलिदान ऑप्शन बी बैल ऑप्शन सी वंश या ऑप्शन डी प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वैदिक काल में बलि का अर्थ प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट होता था तो अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस जानवर को अघन्य माना जाता था तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हाथी को ऑप्शन बी गाय को ऑप्शन सी बैल को या ऑप्शन डी भेड को तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अघन्य गाय को माना जाता था अगर प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये प्रश्न पहुंच सकें और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त की प्ले में जाकर देख सकते हैं तो अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में किसे कुलप कहा जाता था आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए परिवार के मुखिया को ऑप्शन बी गांव के मुखिया को ऑप्शन सी प्रधान सेनापति को या ऑप्शन डी राजा के वारिस को तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुलप परिवार के मुखिया को कहा जाता था अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो और नोट्स आप तक पहुंच सकें धन्यवाद पढ़ते रहिए